झूले भी देती है, झूले देती है। अरे अरे यहाँ पे तो बैठने के मजे ही कुछ और हैं, है ना। और ये मैं आपको दिखाऊँ ऊपर से कितना प्यारा बनाया हुआ है। ओए होए 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 होए, इतनी बड़ी, ये तो पक गई है ना, मुझे एक आंख नहीं भाती। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है, आई होप सो कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत के साथ होंगे। अल्लाह ताला के फजल शुक्र और करम के साथ आज का व्लॉग जो है वो स्टार्ट करते हैं। आज का व्लॉग मैं छापा मारने लगा हूँ। आज मैं आया था आमिर भाई की दुकान पे, तो शोरूम पे, ये शोरूम उनका कैबिन है, देखते हैं अंदर क्या हो रहा है, क्या करते हैं आमिर, ठीक है, हम साथ में चलते हैं और छापा मारते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में मौजूद बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आइंदा वीडियो जो है वो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। शुक्रिया। तो चलते हैं अंदर, देखते हैं आमिर भाई क्या कर रहे हैं आज। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है, ठीक तबीयत ठीक है, बिल्कुल। वीडियो बना रहे क्या? हाँ ना, वीडियो बना रहे, क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। आज तो पकड़ा गया बेटा, तो पकड़ा गया, पकड़ा गया। बता दे सच्ची सच्ची, बता दे क्या कर रहे हैं, बता दे सच्ची सच्ची, किस से बात कर रहे हैं, बता दे बता दे, मैंने तो देख तो वैसे भी लिया है। फ्रेंड्स को तो बता दे किस से बात कर रहे हैं। मैंने फिर भी देख लिया किस से बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये है हमारे आमिर भाई की शॉप, मेन क्या कहते हैं, शोरूम है ना। तो ये उसका अंदर का लुक है आमिर भाई के कैबिन, मैं आपको दिखा सकता हूँ। हाय कितने मज़े की जगह है, कुछ नहीं है, कितने मज़े की जगह है ना। मज़े की नहीं है, कूलर वूलर भी सब लगाया हुआ है। और ये मैं आपको दिखाऊँ ऊपर से कितना प्यारा बनाया हुआ है। ओए होए 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 होए, तो गाइस सच में आमिर भाई का जो रूम है, कैबिन जो है वो बहुत खूबसूरत है। कुर्सी पे बैठ कर देखते हैं। झूले भी देती है, झूले देती है। अरे अरे यहाँ पे तो बैठने के मज़े ही कुछ और हैं, है ना। मैं जब मुल्तान में जॉब करता था उस टाइम बैठता था, तो जब से जॉब छोड़ के आया हूँ तब से ऐसी कुर्सियों पे नहीं बैठा हूँ। आज बहुत दिनों के बाद बैठ रहा हूँ और इस पे झूले लेने के मज़े ही कुछ और होते हैं। झूले लो बेटा, झूले लो, झूले लो बेटा, झूले लो। तुम भी बैठते हो इधर? नहीं बैठते क्यों? ये चार्जर भी साथ में लगाया हुआ है इसने, लाइट जब आ जाती है ना तो यहाँ पे बैठ के, ये अभी अभी पकड़ा गया है। ठीक है, तो मैं इधर बैठता नहीं हूँ, जब लाइट जाती है ना तो ये इधर बैठ के चार्जिंग पे लगा के रहता है मोबाइल को। अभी लाइट नहीं है, मेरे अपने मोबाइल की बैटरी भी कम है, वरना मैं भी यहीं पे बैठ के लगा के बैठ जाता। वो उधर भी उन्होंने जो है एक बोर्ड लगाया हुआ है, एक्सटेंशन भी साथ में रखा हुआ है, वो भी यूज़ कर लेता है जब सोया हुआ होता है चार पाई पे। तो गाइस ये मैं आउटलुक आपको दिखाता हूँ, पीछे वाली जो साइड है उस पर आमिर भाई ने क्या किया हुआ है। ओए होए, थोड़ा सा ये तरतीब में नहीं है, बिकॉज अभी अभी ये कहता है कि काम हो रहा है शॉप का, तो बाहर मैंने देखा है काम हो रहा है। इधर देखें, बेरी का दरख्त है और ये सोलर लगा हुआ है, ग्रासी प्लाट उन्होंने थोड़ा सा बनाया हुआ है। और ये इस साइड पे देखें भिंडियाँ लगी हुई हैं। अच्छा, भिंडियाँ किस किस को पसंद है, किस किस की मतलब फेवरेट हैं सब्ज़ी में भिंडियाँ? इतनी बड़ी, ये तो पक गई है ना, मुझे एक आंख नहीं भाती। और मैंने लाइफ में कभी मतलब ऐसे सीधे मुंह से, जैसे कहते हैं कि भिंडियों का सालन नहीं किया, कहीं पे मेहमान जाके होते हैं तो उनको पता नहीं होता कि खाता है भिंडियों का सालन, नहीं खाता, वो ला के दें तो फिर खाना पड़ता है थोड़ा बहुत, वो भी थोड़ा बहुत, बट मैंने कभी अपने घर में भिंडी का सालन नहीं खाया। तो ये हर किसी की अपनी चॉइस होती है, वो क्या करता है क्या नहीं करता।
वैसे इसको थोड़ा सा सुधारने की ज़रूरत है ना, यहाँ बहुत खूबसूरत बन जाएगा। ऐसी जगह बनाई हुई है, यहाँ पे ग्रासी प्लाट देखें, इसकी ग्रास की कटाई नहीं की हुई, इसने कटाई कर लेगी तो मज़ा आ जाएगा। ये है इसका जो आउटलुक मैंने आपको दिखाया है, बहुत ही खूबसूरत है। किधर जा रहे हो? क्या सारा ना सट खराब थी।